वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी जगह, एक ऐसी गजा और एक ऐसी पट्टी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि जुल्म और सितम का शिकार है और उस पर बम और गोलियां बरसाई जा रही है। तो आज मैं बात करूंगा फ़लस्तीन के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़लस्तीन, कि फ़लस्तीन के लोगों में आजकल क्या गुजर रहा है और इसराइल जो है वो उस पर उन्होंने किस तरह कब्ज़ा किया हुआ है और किस तरह वो उनको कंट्रोल में लिए हुए रखा हुआ है। तो जनाब, बात स्टार्ट होती है आज से 14-15 दिन पहले के, और इसराइल ने फ़लस्तीन पे बमबारियाँ और गोलियाँ वगैरह स्टार्ट कर दी और आज तक उनका वो जारहाना और सफाकियत चल रहा है और हज़ारों फ़लस्तीनी में घर हो गए, हज़ारों घर उन्होंने उजाड़ दिए, हज़ार जवानों और बच्चों को उन्होंने शहीद कर दिया। तो इन सब के लिए ये है कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं, कि हम इस सिचुएशन में एज अ मुस्लिम, एक मुसलमान हो गए, हम इस सिचुएशन में कर क्या सकते हैं। तो इस सिचुएशन में हमें ये करना चाहिए कि हमें जिस तरह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि अगर किसी नाजायज़ काम को होते हुए देख लो तो पहले उसको हाथ से रोको, अगर हाथ से रोक नहीं सकती तो फिर ज़ुबान से मना करो, अगर ज़ुबान से भी नहीं मना कर सकती तो फिर दिल में ही उसको बुरा समझो। लेकिन ये दिल में बुरा समझना इस्लाम का सबसे हकीर दर्जा है, ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। इसलिए मैं अपने इस जिद्दोजहद यानी ज़ुबान के खिलाफ, जो ज़ुबान के साथ जो मैं उनके साथ खड़ा होने जा रहा हूँ, ये मैं उनके साथ एक मतलब एक स्टैंड ले रहा हूँ ये कि हमें ये करना चाहिए कि हम उनके लिए बोलें, हम उनके लिए चीखें, हम उनके लिए लिखें, अगर हम उनके लिए लड़ नहीं सकते तो और अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर उनको दिल में बुरा कहे कि जो इसराइली उन्होंने फ़लस्तीन पे किया हुआ है हमला तो वो ठीक नहीं है। लेकिन ये इस्लाम का सबसे हकीर और कमज़ोर दर्जा है। मतलब हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं और हम इसराइल के इस जरहाना और इस फजूल हरकतों के ख़िलाफ़ हमेशा आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और हम इंशाल्लाह इस्लाम और अहले इस्लाम की और मुसलमानों की पैरवी करेंगे। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि जो सब कुछ हो रहा है फ़लस्तीन के साथ, तो सारे मुसलमानों को दुख और तकलीफ़ हो रहा है। इसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि तमाम मुसलमान जस्ते वाहिद की तरह है, यानी कि एक जिस्म की तरह है, और अगर जिस्म के किसी एक हिस्से में तकलीफ़ होती है तो पूरा जिस्म कांपता है और पूरा जिस्म वो दर्द का शिकार, उस एक जगह के में दर्द होने की वजह से पूरा जिस्म जो होता है वो बेचैन और बेकरार होता है। तो इसी दर्द की वजह से हम ये कहते हैं कि मुसलमानों को और फ़लस्तीन, स्पेशली फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ इंसाफ किया जाए और उनके हकूक़ के लिए आवाज़ उठाया जाए। तो हम फ़लस्तीन के साथ हैं और आप हमारे साथ रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़। वीडियोस दिखाऊंगा एंड पे जो जिसमें इसराइल किस तरह, वो साफ तौर पर दिखाई देगा कि इसराइल किस तरह उस पर फ़लस्तीन पर हमला कर रहा है और उनके टैंक और उनके सोल्जर वगैरह के बारे में चंद वीडियोस है मेरे पास, वो भी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।